इस प्रोग्राम में जानवरों के शिकार की तस्वीरें हैं, दर्शक विवेक का इस्तेमाल करें। एक माहिर लीडर ने झुंड पर कब्जा जमा लिया है, अब हर किसी को इसका हुक्म मानना होगा। लेकिन अब भी यहां कुछ जिद्दी जानवर है जो जवाबी टक्कर देकर बचाए रखना चाहते हैं। इस सैवेज किंगडम को एक अजनबी एक अनजान दुनिया में डिकलेडी अपने इलाके से दूर यहां मोम्बो में है। ये तो खुराक के लालच में यहां चली आई थी। पर बाढ़ के पानी में ये फंस गई है। इस खतरनाक आइलैंड पर लेकिन इसके तीन बच्चों के लिए यह रोमांचक है। जिंदगी एक खेल ही तो है। मगर डिकलेडी को हर चीज से डर लगता है। ये जानती है कि क्या हुआ था क्यूरियस कैट के साथ। इसका बड़ा बेटा बाकियों के मुकाबले ज्यादा हिम्मती है। यह लीडर है और एक शिकारी भी। लेकिन फिलहाल खतरों को समझ नहीं पा रहा। छोटा सा पिगी इसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। यहां हर किसी के पास छिपे हुए हथियार हैं।
देखिए लेडी, अपने बच्चों को मुसीबत में घसीट लाई है। अगर इस फैमिली को इस आइलैंड पर जिंदा रहना है तो डिको लेडी को अपने बच्चों को जिंदगी से जुड़े सारे हुनर सिखाने होंगे। बाढ़ की वजह से इस किंगडम की शक्ल बदल गई है। दुश्मन और विद्रोहियों को साथ साथ रहना पड़ रहा है, जहां कभी भी लड़ाई हो सकती है, और ये बाकी दुनिया से कट गए हैं, क्योंकि जमीन सिकुड़ती जा रही है। मामूदसी हाइनास के इस फौज की कमांडर है और इसे पूरा कंट्रोल चाहिए। इसके चेले हर किसी को परेशान करते रहते हैं। लेकिन हर कोई इनके सामने नहीं झुकता। जो हार नहीं मान रहे, इसे उनका विरोध झेलना पड़ रहा है। कुछ है जो कांटों की तरह चुभ रहे हैं। इसके कट्टर दुश्मन डॉग्स एक अकेली हाइना को घेर लेते हैं। मकुलू पैक यहां हाइना का राज आराम से चलने नहीं देने वाला है। इशारा साफ है, लेकिन मामूदसी को एक सिपाही की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अपने दुश्मन को जान गई है। अब लड़ाई शुरू होगी। मोहाटला डॉग्स का पसंदीदा लीडर है। इसी की वजह से मकुलू पैक इतना ताकतवर और एकजुट बन पाया। ये डॉग्स मरते दम तक इसके लिए वफादार रहेंगे। ये एक साथ मिलकर नई सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अब ये इस जालिम की नजर में है। कमांडर मामूदसी इन डॉग्स को छोड़ने वाली नहीं है। ये इन्हें मैदान में घेरेगी जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाती।
पूला इन छोटे मोटे झगड़ों से दूर ही रहती है। इसके पास भरपूर खुराक है, इसके और इसकी बेटी के लिए। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मौतसीरी पहली बार मांस खा रही है। पूला उसे वो सब सिखाएगी जो इसके लिए सीखना बेहद जरूरी है। अगर मौतसीरी काबिल हुई तो विरासत में उसे अपनी मां की सत्ता मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुराक के अलावा कुछ और भी गवाएगी। मौतसीरी का जन्म मुश्किल दौर में हुआ है। इसकी मां फिलहाल इसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी, लेकिन ये इस पर रहम नहीं करेगी। मौतसीरी को अपना पेट भरना खुद सीखना होगा। मामूतसी के चेले चपाटे हमेशा आसपास ही रहते हैं। और ये कुछ भी कर सकते हैं। वेस्टर्न ट्राइड का कब्जा जंगल के बाकी बचे स्ट्रॉन्ग होल्स में से एक पर बना हुआ है। रामोहाटा इनका बादशाह है। ये और इसका भाई तय करते हैं कि कौन क्या खाएगा और कब खाएगा। इनकी वफादार रानियां खाने का इंतजार करती हैं। लेकिन मामूतसी के ट्रूप्स शेरों के राज की परवाह नहीं करते। वो सैल हाइनाज हमेशा कोशिश करते हैं। और कभी हार नहीं मानते। आखिरकार शेर इनसे चिढ़ जाते हैं और खुद राजा को इन्हें खदेड़ने के लिए आना पड़ता है। शेरों के पूरे झुंड को थका देते हैं। बहुत हुआ।
इन्हें हमारा बचा खुचा खाना खाने दो। यह लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। मकुलू पैक की लीडरशिप इतनी जबरदस्त है कि इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मामूत्सी अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। इसके चेले अब पैक की हर हरकत पर नजर रखते हैं। लेकिन डॉग्स इन जानवरों को अपने शिकार में खलल नहीं डालने देंगे। बढ़ते पानी की वजह से इन्हें बहुत से फंसे हुए जानवर मिल जाते हैं। मोहाटला पहले की ही तरह अपने वफादार फॉलोअर्स को लड़ाई करने के लिए तैयार करता है। जल्दी खाओ इससे पहले कि जासूस अपने साथियों को बुला ले। इस घुसपैठिए को भगाने का काम अल्फा का है, लेकिन मोहाटला कुछ नहीं करता। लेकिन ये अपने साथियों को इस मुश्किल को हल करने देता है। ये मुश्किल वक्त के ही साथी हैं। मोहाटला में लीड करने के लिए पहले जैसी ताकत नहीं बची। आइनास की तरफ से हमेशा बना रहने वाला दबाव अब इसे थका रहा है। लड़ाई के हिसाब से ये बूढ़ा हो चला है। मगर लीडरशिप छोड़ना आसान भी कहां है।
वेस्टर्न प्राइड नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए भरपूर कोशिश करता है। मगर ये लुटेरे इसे चैन से जीने कहां देंगे। शर्मनाक। लेकिन रानी जवाबी हमला नहीं करती, क्योंकि ये बहुत कुछ गंवा सकती है। ये दरअसल वॉरियर्स की अगली पीढ़ी को जन्म देने जा रही है। और ये निराश राजा अकेला इन सब से लड़ नहीं सकता। इनकी विरासत दांव पर लगी है। कोई अक्लमंद लीडर बखूबी जानता है कि कब हार मान लेनी चाहिए। वेस्टर्न प्राइड को अपना घर छोड़ना होगा, ताकि अपने बच्चों के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ सके। आखिरी राजा और रानी जा चुके हैं, और ये लुटेरे सैवेज किंगडम पर कंट्रोल हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं। वॉर जोन में बच्चों की परवरिश मां को परेशान कर सकती है। डिकोलेडी का जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके इलाके में घुसपैठ करती रहती है। लेकिन इसके सबसे बड़े बेटे की उत्सुकता अब अपनी हदें पार कर चुकी है। ये कितना अजीब जानवर है, न जाने इसका टेस्ट कैसा होगा। मासूमियत से भरा इसका यह बर्ताव ध्यान भी भटकाता है, और इन सब के लिए ये एक जिम्मेदारी भी है। ये दिन मोंगूज के लिए अच्छा रहा। डिको लेडी के बच्चे समझदार हैं, क्योंकि वो अपनी मां के पीछे दौड़ जाते हैं। लेकिन सबों को डिसिप्लिन सीखना होगा, वरना सब मारे जाएंगे।
मकुलू का ध्यान उन भागे हुए चीतों पर ही नहीं है। हाइनास का झुंड हर कदम पर इनके पीछे है। ये कभी इनका पीछा नहीं छोड़ता। मोहटला इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता और इसका असर साफ नजर आता है। शानदार। किसी तेंदुए का आशियाना बाकी सबसे ऊपर होता है और उथल पुथल भरे इस दौर में ये जगह काफी महफूज भी होती है। लेकिन ये भी इन जानलेवा लुटेरों से बच नहीं पाते। भूला को पहले कभी इन चोरों से डर नहीं लगा। इनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ इनका जोखिम भी। मुत्सीरी को छुपे रहना होगा। अगर तुम नीचे गिरे तो ये तुम पर कोई रहम नहीं बख्शेंगे। पूला बहुत हिम्मती है और ये अपने वारिस को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। ये ऐसा करने में हिचकिचाएगी नहीं। ये पेड़ इसकी बेटी को सुरक्षित रखता है। लेकिन चोरों की यह फौज इसका राज जान चुकी है। मोत्सीरी हमेशा पेड़ पर बैठी नहीं रह सकती।
अमूतसी के जासूस हर कहीं फैले हैं। गिद्ध आसमान में मंडराते ये शिकारी इसे खुराक का सटीक पता दे देते हैं। डिक लेडी जानती है कि ये गिद्ध लुटेरों को इसकी खुराक के बारे में बता देंगे। बस थोड़ी देर की बात है। इन पैरासाइट्स को भगाना जरूरी होगा। इसके सबसे बड़े बेटे के लिए ये मस्ती का नया खेल है। इन बड़े और घटिया परिंदों का पीछा करना। सेपो में कुदरती हुनर है। दुश्मन पहले ही यहां पहुंच चुका है। कर कहीं छिप जाओ। डिक लेडी अपनी खुराक और अपने बच्चों को एक साथ नहीं बचा सकती। इस खराब पड़ोस में एक अकेली मां को बहुत ज्यादा बोझ झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी मां के जोश की वजह से शायद ये सब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। लुटेरों के इस इलाके में हर कोई तेजी से खाना खाना सीख रहा है। मखूलू पैक मामूली सी खुराक को लेकर आपस में उलझा हुआ है और किसी का ध्यान नहीं पहुंच पाता इस घात लगाए हुए जानवर पर। ममूदसी ने अपने दुश्मनों को भूखा मार देने की ठान ली है। इसका ध्यान एक हाइना की तरफ जाता है। और इसी बीच दूसरे इनका शिकार चुरा लेते हैं। झुंड में अब बिखराव होने लगा है।
जरूरत के इस वक्त में मोहाटला की लीडरशिप की कमी साफ नजर आने लगी है। ये अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए बेताब है। लेकिन इसके लिए इसे झुंड की वफादारी की जरूरत होगी। और अपनी इज्जत को दोबारा हासिल करने के लिए सिर्फ मेटिंग ही काफी नहीं होगी। डिकल एडी के लिए हारना रोज की बात हो गई है। वक्त आ गया है कि ये अपने बच्चों की सूझबूझ का इस्तेमाल करे। ये कोई खेल का मैदान नहीं है। वक्त है शिकार के सबक लेने का। लेकिन सबको इसके लिए राजी होना पड़ेगा। क्या ये वो या फिर वो बच्चों को इस काम को खत्म करना होगा। सैफो चुनौती को स्वीकार करता है। ये जान जाता है कि शिकार करना उतना भी आसान नहीं। डिकल लेडी को अपने बेटे में काबिलियत नजर आती है। सैफो को दो चार काम के सबक मिले तो ये बेहतरीन शिकारी बन पाएगा। अगर इसके भाई बहन मदद करते हैं तो हिरण का काम तमाम हो सकता है।
बात बन गई। लगता है कि साथ मिलकर ये परिवार जिंदा रह पाएगा। अपने बच्चों की परवरिश वाली जगह ढूंढते ढूंढते वेस्टर्न प्राइड पानी के किनारे पहुंच जाता है। लेकिन यहां डॉग्स मौजूद हैं। प्राइड जानता है कि जहां मकुलू पैक है, हाइनास भी वहीं कहीं होंगे। डॉग्स को जाना होगा। कोल्ड ब्लडेड मैसेज बिल्कुल साफ है कि इस जंगल का राजा फिर से लौट आया है और अब यह शेरों का इलाका है।